केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह स्मृति द्वार का शिलान्यास किया। यूपी का बदायूं विकास के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए भाजपा सरकार ने खजाना खोल दिया है। आज केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह स्मृति द्वार का उद्घाटन किया, जिससे स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे और सभी ने केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत कर उन्हें फूल मालाओं से लांद दिया। कस्बा आलापुर के थाना चौराहे पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने स्व बाबू कल्याण स्मृति द्वार का शिलान्यास करते हुए एक सभा को संबोधित किया। द्वार का निर्माण कस्बा आलापुर के आकाश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने जिले के चहुमुखी विकास की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिले के विकास के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया है और आने वाले समय में बदायूं की अलग पहचान होगी। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने रामपुर और मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की जीत का दावा करते हुए समाजवादी पार्टी की करारी हार होना बताया। साथ ही 2024 में फिर से भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। इससे पूर्व लोगों ने केंद्रीय मंत्री का फूल मालाएं डालकर जोरदार स्वागत किया। आयोजक जिला महामंत्री शारदा कांत उर्फ सीकू भैया ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पम शारदा कांत उर्फ सीकू, दाता घनज चेयरमैन आकाश वर्मा, ब्लॉक प्रमुख म्याऊ केसी शाके, उजहानी ब्लॉक प्रमुख सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे साथियों, माननीय भावनी कल्याण सिंह, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी का कार्यकर्ता 365 भाजपा के खिले और पूरी सीटें भाजपा के साथ लेकर के प्रधानमंत्री।